नमस्कार, सनमार्क लाइव में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं देश के जाने माने स्कूल DPS के डॉक्टर राम सिंह। स्वागत है डॉक्टर राम सिंह जी। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि आज के स्कूल का वातावरण क्या है, इस स्कूल को इन्होंने देश के मानचित्र पर कैसे उकेरा और बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए और क्या क्या उपाय करने चाहिए। आप ये बताएं कि पहले की शिक्षा और अभी की शिक्षा में कितना का अंतर हो गया है? देखिए, शिक्षा में बदलाव हुआ है, कंप्यूटर और IT से बदलाव हुआ है, ग्लोबलाइजेशन से पूरा वर्ल्ड जो है वो ग्लोब बन गया है एक, तो उससे बदलाव हुआ है। आज की जो शिक्षा है वह रोजगार परक है, रोजगारमुखी है और समाज भी बदल रहा है, उस तरह से शिक्षा का वातावरण भी बदल रहा है। चैलेंजिंग अब ज़्यादा है, पहले बच्चे केवल स्कूलों पर टीचर्स पर निर्भर करते थे उनके शिक्षा के लिए, जानकारी के लिए, लेकिन आज के डेट में जो कंप्यूटर के कारण, गूगल के कारण उनको पहले से जानकारी मिल जाती है बहुत सी चीज़ों का, तो हमको अब बहुत आगे जाके बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, सोचना पड़ता है और ये बताना पड़ता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। और तीसरी चीज़ है कि DPS रांची पहले भी अच्छा स्कूल रहा है, लेकिन विगत 5 सालों में जितने भी यहाँ पर रिजल्ट आए हैं सब में स्टेट का टॉपर जो है वो DPS रांची से आया है। इसके लिए हम लोग अर्ली प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं, क्लास 12th में एग्ज़ाम होना है, 7 से ही बच्चों को बात करते हैं, उनको बड़ी अपॉर्चुनिटीज देते हैं, बच्चों को फॉरेन लैंग्वेज का हम अपॉर्चुनिटी देते हैं, अचीवमेंट ट्री हमारा है जो प्रेरित करता है बच्चों को, तो कई माध्यम के तरीकों से, कई उपायों से। अभिभावकों को आप क्या सलाह देते हैं बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये भी चर्चा है कि सब अच्छे बच्चे ही छांट करके आते हैं तो स्वाभाविक बात है कि अच्छा करेंगे। देखिए, पहले ऐसा था लेकिन आजकल आप जानते होंगे जब से RTE आया है तो डिस्टेंस के आधार पर एडमिशन सभी स्कूलों में हो रहा है और डिस्टेंस के आधार पर ही वो बच्चे आ रहे हैं यहाँ पर। दूसरी चीज़ है, पेरेंटिंग का बड़ा रोल है। अगर स्कूल सेम होता है, कंटेंट सेम है, टीचर सेम है, बट बच्चों का परफॉर्मेंस अलग अलग होता है, तो जो अलग होता है उसको देखा जाए तो उसमें पाया जाता है कि अधिकतर जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों के साथ लगे रहे, स्कूलों के साथ लगे रहे, बच्चे की जो कमियां हैं वो स्कूल को बताते थे या स्कूल से जो उनको फीडबैक मिलता था उस बच्चे को सुधार में काम करते थे। अभी भी पेरेंटिंग का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, पेरेंट जो है पेरेंटिंग के लिए स्कूल पर निर्भर न रहे, उनका अपना काम है बच्चों के साथ बैठना, उनका देखना कि किस तरह से, मतलब आज भी अभिभावक पहला स्कूल माना जा सकता है या फिर स्कूल पूरी जब तक बच्चे पढ़ें तब तक स्कूल वो? निसंदेह पेरेंटिंग, तो देखिए पहला टीचर माँ होती है, उसके बाद पेरेंट होते हैं और थ्रू आउट बच्चे जहाँ तक स्कूलिंग करते हैं वो पेरेंट जो जागरूक रहे हैं, जो स्कूल के कांटेक्ट में रहे हैं, टीचर से मिलते रहे हैं, बच्चे का फीडबैक लेते रहे हैं, उनकी कापियां घर पर देखते रहे हैं, तो वो बच्चे जो है वो बड़े, उनके कंटिन्यूस ग्रोथ उसमें होता है और वो बच्चे अच्छा करते हैं। अच्छा, अच्छा स्कूल है आपका, नामी स्कूल है, बच्चे आते भी होंगे, किस किस तरह का दबाव आपको झेलना पड़ता है खास करके एडमिशन से रिलेटेड या फिर और कई कई तरह की परेशानी आती हैं आपको? देखिए, सफलता के पीछे संघर्ष होता है डॉक्टर साहब, तो इस सफलता के पीछे क्या क्या संघर्ष है आपका? देखिए, ऐसा है कि ये सभी माँ बाप का एक ख्वाब होती है, इच्छा होती है कि हमारा बच्चा अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़े, और DPS रांची अगर आज अच्छा कर रहा है तो स्वाभाविक तौर पर लोग प्रयास करते हैं और इस प्रयास को थोड़ा सा प्रेशर तो ज़रूर होता है लेकिन इसको बड़े पॉजिटिवली लिया जाए, स्कूल अच्छा करता है तभी आते हैं, और उसमें से ज़रूर देखा जाए कि जो जेन्युइन बच्चे हैं, जो नज़दीक के बच्चे हैं या जितनी सीटें हैं, अगर होलिस्टिकली जो है और बच्चों को उसमें लिया जाए एडमिशन के लिए तो अच्छा रहेगा। दूसरी बात ये बताएं कि अभी बच्चों को किस हिसाब से पढ़ाई करना चाहिए, क्योंकि आप PhD भी हैं और कई स्कूलों में प्रचार रह चुके हैं, उसका लाभ DPS को तो मिल रहा है, लेकिन यहाँ के बच्चों को या जो दूसरे स्कूल में बच्चे चले गए उनके लिए संदेश पढ़ने से लेकर के और आगे? देखिए, हम लोग करीब 25 सालों से इस अध्यापन के कार्य में हैं और हम लोग देखते हैं कि टॉप भी बच्चा करता है, कुछ मीडियोकर भी होते हैं, कुछ लो परफॉर्मर भी होते हैं, लेकिन यह जो परफॉर्मेंस है वह केवल किसी जॉब के लिए क्वालिफाई करने के लिए, किसी कंपटीशन को क्वालिफाई करने के लिए चाहिए, लेकिन उसके बाद का जो समय होता है उसमें बच्चे का हैबिट्स क्या है, मैनर्स क्या है, स्किल्स कितना डेवलप कर पाया है, पर्सनल स्किल्स कितनी है, पर्सनालिटी को कितना ग्रोथ कर पाया है, कम्युनिकेशन कितना है, लीडरशिप कितनी है, तो ये सभी जो पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं
जो पर्सनालिटी के ग्रोथ ये सब होते हैं, स्कूलों को इस पर ध्यान देना चाहिए और बच्चों को भी, पेरेंट्स को भी ध्यान देना चाहिए मार्क्स के साथ में। मार्क्स इंपॉर्टेंट है, कंटेंट जो सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, बट बच्चे का अच्छा बिहेवियर हो, अच्छी वैल्यूज उसके पास हो, सब समाज के प्रति, देश के प्रति प्रेम हो और अपनी पर्सनालिटी हो उसकी एक उसके, क्योंकि देखिए पहला जो एग्जामिनेशन होता है वो पर्सनालिटी को देख के होता है कि आपका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है, बॉडी लैंग्वेज कैसा है, कैसे। रोजगार मुख शिक्षा की बात आपने कही, लेकिन सरकार तो रोजगार मुख मतलब नौकरी ही है या और कुछ है? नहीं नहीं, हमने नौकरी नहीं कहा, हमने कहा कि देखिए आगे की जो लाइफ है ना, वह बिना नौकरी किए भी, जैसा कि सरकारों के द्वारा और लोगों के द्वारा बीच में बताया जाता है कि आजकल तो एंटरप्रेन्योर का समय है, नई नई चीज़ें खोजने का समय है, नई नई चीज़ों के द्वारा बच्चे अपनी अच्छी लाइफ अच्छे ढंग से जी रहे हैं, तो जॉब जरूरी नहीं है। एक अच्छी शिक्षा हो, एक अच्छी पर्सनालिटी हो, एक अच्छा समाज का नागरिक हो और जो जितना जीने के लिए चाहिए, जितना अच्छा काम करने के लिए चाहिए वो कर ही लेते हैं। अभी आपने कहा कि 5 वर्षों में हमारा DPS देश के मानचित्र पर अपनी एक छवि बनाया है, कुछ खास अवार्ड, कुछ खास बच्चे जिसका आप जिक्र करना चाहें? नहीं नहीं, अभी तो देखिए बच्चे हमारे अच्छा कर रहे हैं, जहाँ तक पहले हम स्टेट लेवल की बात करें तो जितने भी एग्जाम्स हुए थे, चाहे वो RMO हो, KBPY हो, NTSC हो, SMT हो, सब जगह टॉपर DPS रांची का है और 35-40% बच्चे जो है वह DPS के हैं पूरे स्टेट की बात करें। और जहाँ तक कंट्री लेवल की बात करें, अभी हमारा एक बच्चा इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड में ब्राज़ील गया था, कंट्री से 6 बच्चे सिलेक्ट हुए थे, उसमें से DPS रांची का था, इंडिया का 3rd बेस्ट एकेडमिक रिजल्ट हम लोगों का रहा है। छात्रों को और अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए छात्रों से यही है कि जो देश है, जो समाज है, जो वर्ल्ड है, वो अपॉर्चुनिटीज से भरा हुआ है, जस्ट निकल के, बाहर निकल के खोजना पड़ेगा, जानना पड़ेगा और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, उसके लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए। पहले था कि हार्ड वर्क, लेकिन आजकल हो गया स्मार्ट वर्क करना चाहिए। कितने कम समय में कितने ज़्यादा हम आउटपुट या परफॉर्मेंस दे पाते हैं, ये बच्चे इस तरह से सोचें। पूरा जो विश्व है ना, पूरा ग्लोब जो है ना, वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज है, आज के बच्चे हर जगह जा रहे हैं। जहाँ तक पेरेंट्स की बात है, अपने बच्चों को अपनी इमेज या अपनी इच्छाएँ उन पर थोपने के बजाय बच्चों को खुले आसमान में उड़ने दें। और बच्चे आज के डेट में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखते हैं और ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं, अगर हम उन पर बहुत ज़्यादा दबाव न बनाएं। सफलता का कोई पैमाना नहीं है, डॉक्टर राम सिंह सही कह रहे हैं, छात्र की सीमाएं पूरी है, पूरी, जहाँ तक चाहें वो फैलाव कर सकते हैं, अपने भविष्य को बना सकते हैं। अभिभावकों को भी चाहिए अपने अपने संतान पर ध्यान देना, अपने बच्चों पर ध्यान देना। आज बस इतना ही, कैमरामैन दीपक के साथ मैं संजय समर, नमस्कार।